हाय दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? आई होप आप बढ़िया होगे। स्वागत है आपका मेरे ब्रांड न्यू अनदर ब्लॉग वीडियो में। तो नए दिन और नए सवेरे के साथ अपना ब्लॉग वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम जाने वाले हैं रामनगर। राइट नाउ टाइम इज़ 5:00 AM एट अर्ली मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है। तो मैं और लक्की जा रहे हैं रामनगर। और रामनगर क्यों जा रहे हैं उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगा। उससे पहले मैं नहा धो के तैयार हो जाता हूँ और उसके बाद आपको मिलते हैं। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक, तो मिलते हैं तुम्हें तैयार होने के बाद। तो दोस्तों, हम तैयार हो चुके हैं नहा धो के। तो अब आपको बताता हूँ मैं रामनगर क्यों जा रहे हैं हम। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब बताते नहीं, आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, यह अपनी साइकिल। 5-6 दिन पहले मैंने साइकिल ली थी। तो ये साइकिल मैंने सिंपल ले ली। तो इसमें मुझे लगाना है गियर सेट। तो ये साइकिल को जो है गियर वाली साइकिल में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको इसमें गियर लगवाने के लिए हम रामनगर ले आएंगे साइकिल को। और भी काम है, थोड़ा और काम भी है, लेकिन मैंने सोचा इसमें गियर सेट भी लगा लेंगे और ले चलेंगे इसको रामनगर को। तो दोस्तों, इस पर हमने सोचा कि गियर लगा लेंगे तो पैडलिंग जो है इजी हो जाएगी। और देखते हैं गियर सेट लगता है नहीं लगता, रामनगर जाके पता लगेगा। तो मैंने सोचा गियर लगा के इसमें ब्लॉगिंग आपको इसी से देखने को मिलेगी साइकिल से। तो देखते हैं क्या होता है। और इसको पहले देखते हैं इसको किस में ले जाएंगे, अभी ट्रक या कुछ देखना पड़ेगा। तो देखते हैं ट्रक मिलता है नहीं मिलता है, उसमें ले जाएंगे इसे और दिखाएंगे आपको आगे का नज़ारा, जो भी होगा, जो भी हम करेंगे और जहाँ भी जाएंगे, ठीक है। दोस्तों, हम हो चुके हैं तैयार और यहाँ पर लक्की भाई आते हुए। लक्की भाई, तो दोस्तों लक्की भाई भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो चलते हैं सीधा आगे को और ये रोज हंसने भी रहते हैं, इनको आती है शर्म ब्लॉग बनाने में। तो देखते हैं साइकिल किस पे लेंगे हम और आगे को चलते हैं। अभी तो देखते हैं, अभी ट्रक रख कुछ आया नहीं है, ट्रक जैसे आएगा तो उस पर साइकिल रख के ले जाएंगे, ठीक है। दोस्तों, रामनगर पहुंच गए हैं और हमने इधर साइड पे पंपापुरी पे उतारी है साइकिल, क्योंकि बाज़ार में जाम हो जाता है। तो अब चलते हैं और ले चलते हैं इसको रिपेयरिंग की दुकान पे, जहाँ पर गियर हेयर इसका लगेगा। तो बिना देरी करे चलते हैं उधर को और उसके बाद दिखाते हैं आपको आगे का, ठीक है। तो दोस्तों, रामनगर से हम आ चुके हैं और गियर लग चुके हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ गियर हमारे कहाँ पर लगे हैं और गियर एडजस्टर, और आपको पूरा दिखाऊंगा कि साइकिल में गियर कैसे लगे हैं, ठीक है। तो गियर दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, ये खड़ी अपनी साइकिल और जो गियर का जो है एडजस्ट करने वाला है, यहाँ से फर्स्ट सेकेंड और सेवन्थ गियर तक वो ग्यारह गियर है, और न्यूट्रल करने के लिए ये आला है। और जो अभी गियर लगे हुए हैं पीछे के टायर पे ही गियर लगे हुए हैं, आगे गियर हमने लगाए नहीं है।
जो ये चक्का है इस पे ही गेयर चेंज करती है। सबसे ये फर्स्ट वाला चक्का, जो फर्स्ट वाला चक्का है, फर्स्ट गियर है, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, सिक्स, सेवन, सात गियर इसमें है। और ये आगे आगे के गियर अभी लगाए नहीं है, आगे के गियर बाद में लगाएंगे, फिलहाल पीछे के गियर लगाए हुए हैं जैसे देख सकते हो। तो दोस्तों पीछे वाले टायर में जो है हमारे गियर लग चुके हैं और आगे के टायर में भी लगाने गियर बाकी हैं। और प्लेन में तो ये गियर वर्क सही से कर रहा है, लेकिन जो अप हिल में है पहाड़ों में थोड़ा उतना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी वर्क कर रहा है। अगर आगे के उसमें भी गियर लग गए तो पूरा इजी हो जाएगी साइकिल, जो पेडलिंग है वो फ्री हो जाएगी। तो आगे के गियर जब लगेंगे तो इसमें और इजी हो सकती है, लेकिन पहाड़ों पे इतना गियर इतना वर्क नहीं करता, ठीक ठाक ही वर्क करता, ज़्यादा वर्क नहीं करता। तो और आगे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो अब वीडियो जो है पहले हाथ से, मतलब फ़ोन को हाथ से पकड़ता था, पहले तो मैं ट्राइपॉड से वीडियो बनाता था, वो ट्राइपॉड मेरा टूट गया था जब मैं कॉलेज में था, दोस्तों ने तोड़ दिया था। तो अब जो है नया ट्राइपॉड ला चुका हूँ और नया माइक भी आ चुका है, तो आपको दिखाता हूँ नया माइक और उसके बाद आपको पूरा ट्राइपॉड भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से आपको ट्राइपॉड दिखाता हूँ और पुराने माइक की और इस माइक की हम पहले आवाज़ भी चेक करेंगे, मतलब किस में ज़्यादा अच्छी वॉइस है। तो पहले आपको नया वाला माइक और ट्राइपॉड दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जो ये अपना ट्राइपॉड है और पुराना भी ट्राइपॉड ऐसा ही था, लेकिन अब नया ट्राइपॉड आ चुका है और जो ये हमारा नया वाला माइक ये है और जो हमने इसके पीछे लगाई है ये माइक्रोफोन जो है ये है हमारे स्मार्टफोन के लिए, और जो इधर ये माइक्रोफोन है ये है DSLR के लिए। तो DSLR तो हमारे पास है नहीं, और जो पुराना मेरा माइक है वो है ये बोया का M1। तो ये जो है बोया का M1 है माइक, ये आवाज़ तो ठीक ही देता, लेकिन अब जो मतलब बाहर हम अगर क्राउड में जाते तो इतनी अच्छी आवाज़ नहीं देता, तो इसलिए हमने नया माइक मंगाया बोया BY-MM1 का माइक। और ये तो देखते हैं इसका अभी वर्क करके देखते हैं। और जो अभी तक आपने पहले मेरी जो वॉइस सुनी वो इस माइक से सुनी, और अब इसके बाद मैं आपको अभी जो है मेरा जो वॉइस चल रही है अभी बिना माइक के चल रही है और सिंपल मतलब फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अब मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ इस वाले से रिकॉर्ड करके देखता हूँ, और इससे तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और अब इससे रिकॉर्ड करके देखते हैं वॉइस कैसी आती है और देखते हैं कितना चेंज और कितना डिफरेंस होता है इसमें और इसमें। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं और इस माइक को फटाफट लगा लेते हैं अपने फ़ोन पर। तो दोस्तों जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अपने पुराने वाले बोया के M1 माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी वॉइस बाद में देखते हैं उसमें कैसा चेंज होता है। और आप मेरे को कमेंट करके भी बताना इस माइक में और उस माइक में मतलब डिफरेंस है नहीं है, ठीक है। तो आप इस माइक का बताना और उस माइक का भी डिफरेंस बताना। तो दोस्तों कभी कभार वीडियो बनाने के लिए मैंने जो है साइकिल पे ऐसे जुगाड़ कर रखा है ट्राईपॉड को ऐसे फंसा कर और यहाँ पर मोबाइल लटका कर, तो इस तरह के मैंने जुगाड़ बना रखा है कि मतलब जब भी वीडियो अगर साइकिल से कभी बनाने का मौका मिला तो ऐसे बनाऊंगा। अगर गियर इसमें आगे का पड़ गया तो ईजी रहेगा इधर उधर जाना, तो देखते हैं क्या होता है। साइकिल से वीडियो तभी बना पाएंगे जब जरा गियर वो हो जाएंगे इजी, नहीं तो पेडलिंग बहुत भारी होती है तो जो आप हील पे जरा जोर लगाना पड़ता है और बहुत ताकत लगती है, इजी नहीं होता इतना। तो देखते हैं क्या होता है, अगर मौका मिला तो साइकिल से ही आपको ब्लॉग देखने को मिलेगी। तो साइकिल में गियर लग चुके हैं और आपको जो मेरा जुगाड़ है साइकिल में कैसा लगा और ये भी बताना, गियर लग चुके हैं तो आगे वाले गियर को लगा के इतनी ईजी होगी या नहीं होगी कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। तो मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। We'll be right back.